हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तुंगभद्रा डैम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में लोकेटेड है तुंगभद्रा डैम? तो ये लोकेटेड है कर्नाटका में। आंसर इज डी। तो ये रहा आपका तुंगभद्रा डैम। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे अभी रामसर स्थल बनाया गया है? तो इन विच स्टेट इज द नंजरायन बर्ड सेंचुरी लोकेटेड विच हैज जस्ट बीन मेड ए रामसर साइट? तो रामसर स्थल बना दिया गया है और ये नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य लोकेटेड है तमिलनाडु में। इन विच स्टेट इज लोकेटेड द जोंगसंग पीक? जोंगसंग पीक कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये रहा आपका जोंगसंग पीक, ये लोकेटेड है हमारे सिक्किम में। आंसर इज ए। ओके, और ये इंडिया नेपाल और चाइना के ट्राई पॉइंट पे है, ट्राई जंक्शन पे। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कनेक्ट विच टू इंडियन सिटीज? तो किस दो इंडियन सिटीज़ को कनेक्ट करता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? तो ये पोरबंदर और सिलचर को कनेक्ट करता है। सो द आंसर इज ए, सिलचर टू पोरबंदर। ओके, और ये इसकी जो डिस्टेंस ये जो कवर करता है ये लगभग 3300 किलोमीटर की है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैंग्रोव फॉरेस्ट इज आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में लोकेटेड है मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनमें से कौन सा? तो देखिए थाने क्रीक लोकेटेड है और विक्रोली लोकेटेड है। तो आंसर है 2 and 4, आंसर इज 2 and 4। ओके, साउथ अर्कॉट एंड रामनाथपुरम रिसीव ओवर 50% ऑफ देयर एनुअल रेनफॉल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो साउथ अर्कॉट और रामनाथपुरम जो है वो अपना 50% जो वाटर रेनफॉल है वो रिसीव करता है किससे? तो ये अपना नॉर्थ ईस्ट मानसून से रिसीव करता है। ओके, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन तमिलनाडु इन द विंटर सीजन, और उसी समय में यहाँ पे साउथ अर्कॉट और रामनाथपुरम में बारिश होती जाती है। विच अमंग द फॉलोइंग डैम्स आर लोकेटेड अक्रॉस द रिवर चंबल? रिवर चंबल कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब रिवर चंबल पे कौन कौन सा डैम लोकेटेड है? ओके, गांधी सागर डैम ये आपके मध्य प्रदेश में बना हुआ है। राणा प्रताप सागर डैम ये आपके राजस्थान में बना है। ओके, राजस्थान में बना है। जवाहर सागर डैम ये भी राजस्थान में बना है, राजस्थान में। और सरदार सरोवर आपके नर्मदा रिवर पे बना है, ये स्टेटमेंट ये वाला गलत है। बाकी ये तीनों आपका चंबल रिवर पे है। सो द आंसर इज 1, 2 and 3। द एलुवियल सॉयल फाउंड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर प्लेन इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एलुवियल सॉयल जो गंगा रिवर के प्लेन पर लोकेटेड है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है खादर। खादर को कहा जाता है न्यू एलुवियल सॉयल, बांगर को कहा जाता है ओल्ड एलुवियल सॉयल, और दोनों ही फर्टाइल होती हैं। न्यू एलुवियल सॉयल ज़्यादा फर्टाइल होती है। इफ 20% और मोर एरिया ऑफ द कंट्री सफर्स फ्रॉम रेन डिफिसिट ड्यूरिंग मानसून सीजन इट इज़ टर्म्ड एज 20% से ज़्यादा एरिया कंट्री का जो है वो सफ़र करता है रेन डिफिसिट को, तो इसको इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो इस कंडीशन को कहा जाता है ड्रॉट ईयर, सूखा वर्ष कहा जाता है। वेम्बनाड लेक विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज इन विच स्टेट? लार्जेस्ट लेक है इंडिया का वेम्बनाड लेक, ये किस स्टेट में है? ये है केरला में, ये रहा आपका वेम्बनाड लेक। ओके, एक कैटाक्लिस्मिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कॉज्ड बाय द एक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑनटू द सरफेस ऑफ ए वाइट ड्वार्फ स्टार वुड बी टर्न एज व्हाट? तो ये टर्न होता है नोवा। आंसर इज ए। नोवा इज अ ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट दैट कॉजेज द सडन अपीयरेंस ऑफ ए ब्राइट अपेरेंटली न्यू स्टार। ओके, और जो स्लोली फेड हो जाता है टाइम के साथ।
और इसका वजह से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से एक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन ऑनटू द सरफेस ऑफ व्हाइट ड्वार्फ होता है. व्हाइल गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ द वेट ऑफ ए बॉडी शेल, तो अर्थ के सेंटर की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारे बॉडी का वेट जो होता है वो क्या होता है, तो वो डिक्रीज होता है. आंसर इज बी. While going towards the center of the earth, the weight of the body shell decreases. This is because the distance from the center of the earth reduces. Which of the following units can be used to measure the distance of stars? तो stars के बीच में जो distance है उसको measure करने के लिए किस unit का प्रयोग किया जाता है, तो ये light years का प्रयोग किया जाता है. Okay? और पारसेक का भी प्रयोग किया जाता है. द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन नाइल वैली एंड आईलैंड ऑफ जावा इज प्राइमरली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, तो नाइल रिवर के नाइल वैली में जो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है और जावा आइलैंड पे प्राइमरली किस रीजन से ये क्या फैक्टर है इसकी वजह से, तो ये इसका रीजन है इंटेंसिव एग्रीकल्चर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल एलुवियल सॉयल. इंटेंसिटी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वाज पॉसिबल इन नाइल रिवर एंड आइलैंड्स ऑफ जावा. व्हाट इज द लिथोस्फीयर कंप्राइज ऑफ, लिथोस्फीयर किससे बना होता है, तो ये है द क्रस्ट एंड द अपर लेयर ऑफ द मेंटल. द क्रस्ट एंड द अपर लेयर ऑफ द मेंटल टुगेदर मेक अप ए जोन ऑफ रिजिड ब्रिटल रॉक कॉल्ड लिथोस्फीयर. हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, किसने इंट्रोड्यूस किया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी, तो इनका नाम है H.H. हेस, हैरी हेमोंड हेस इनका फुल नेम है, और इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी दी. सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज द मैकेनिज्म ऑफ द क्रिएशन ऑफ न्यू सी फ्लोर लिथोस्फीयर एट मिड ओशियन रेसेस. Which among the following mountain is the source for the river Danube and Rhine? Danube और Rhine river का source पूछ रहा है, तो ये है Alps. Alps are folded mountain होते हैं, यूरोप में हैं, और ये important source है river Danube और Rhine का. ये रहा आपका Danube, ये रहा आपका Rhine, और यहीं पे आपका है Alps. Which among the following is are effects of the salinity on ocean water? तो ocean water में जो salinity होती है उसके effects के लिए कौन respond मतलब क्या क्या इस responsible है, तो it affects the marine organism and plant community. तो इसमें पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज आर इफेक्ट ऑफ द, इफेक्ट क्या है सैलिनिटी ऑन द ओशन वाटर का, तो इफ इट इफेक्ट द मैरीन ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट कम्युनिटी, ये बिल्कुल सही है. इट इज़ द पोर्टेंट फैक्टर इन द ओरिजिन ऑफ ओशन करंट्स, ये भी बिल्कुल सही है. दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सो द आंसर इज सी बोथ वन एंड टू. Which among the following statement is आर करेक्ट अबाउट corals? Corals के लिए करंट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो देखते हैं. They are made up of genetically identical organism called polyps. तो ये बिल्कुल सही है. The corals and algae have a mutualistic relationship. बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है. दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सो द आंसर इज सी बोथ वन एंड टू. What are Indian tribal inhabitant of southwest US called? Indian tribal inhabitant जो southwest US में हैं उनको कहा जाता है क्या, उनको कहा जाता है नवासो. Answer is B. Indian tribal inhabitant of southwest US ये नवासो होते हैं, और they grow crops and they rear animals, और ये run करते हैं variety of economically profitable tribal enterprises. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.